शाक्स, क्या आपको याद है बचपन की वो छोटी छोटी खुशियाँ? पास वाले पार्क से फूल चुराना, टच में नॉट पत्तों से लुका छुपी खेलना, डांडेलाइन सीड्स को फूंक मार के उड़ाना, या सिर्फ हरे घास पर लेटकर खुला आसमां को देखना। हमेशा लगता था कि काश हम ये पल कैद कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्लिसफुल नेचर का एक्सपीरियंस हम आपको दे, जो आप कैद करके हमेशा अपने पास भी रख सकते हो और अपनी ब्यूटी को निखार सकते हो, तो हाय, मेरा नाम है सुप्रिया, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। मैं हूँ फाउंडर ऑफ लीफी अफेयर, जो है इंडिया का पहला फ्लोरल ज्वेलरी ब्रांड। लीफी अफेयर असली फूल, पत्तों और सीड्स को प्रिजर्व करके उनकी ब्यूटीफुल ज्वेलरी बनाते हैं। फ्लोरल ज्वेलरी को हम बोटानिकल ज्वेलरी भी कहते हैं, और बोटानिकल ज्वेलरी एक नया कॉन्सेप्ट है जो इस लगभग 16,000 करोड़ की फैशन ज्वेलरी मार्केट में अपनी डिजाइन से खुद की पहचान बना रहा है। और हमारे डिजाइन्स ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी पहना है। आज हमारे पास 100 से भी ज्यादा ज्वेलरी और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं। हमारे विजन है कि वी बिकम द बिगेस्ट बोटानिकल लाइफस्टाइल ब्रांड। तो शार्क्स, आई एम हियर टू सीक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज फॉर एन इक्विटी ऑफ 2.5%। तो शार्क्स, आर यू इन फॉर एन अफेयर? एन अफेयर विद नेचर that even your partners will approve of. ये जो पहना है आपने, ये आपका फ्लावर से बना हुआ है? Yes, ये real rose है, उसको preserve करके उनसे हम designs बनाए हैं। Okay, I really like what you're wearing, the sneakers and the suit and this rose thing. हम आपके business पे जाएंगे, उससे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आपने कुछ पढ़ाई-वढ़ाई करी है? हाँ। मैं BSc और MSc बायोटेक्नोलॉजी में किया था। अच्छा। और उसके बाद MBA भी किया हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन फ्रॉम सिम्बियोसिस। नाइस। थोड़ा सा बताइए, आपका ये नेचर से क्या कनेक्शन है आपको और क्यों बन रहा है कनेक्शन? मैं बचपन से ना बहुत आई लव प्लांट्स और एनिमल्स, एंड मेरी मम्मी गार्डनिंग करती थी, और बचपन में somebody told me कि फ्यूचर में टेक इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। इन दैट लिटिल गर्ल्स हेड मुझे ये इमेजिनेशन आया कि बहुत सारे रोबोट्स होंगे और ट्रीज और फ्लावर्स नहीं होगा। और मुझे वो ठीक नहीं लगा। तब से मैं डिसीजन बना लिया था कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन बायो। कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? ये 2016 में आइडिया आया। मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा सकती हूँ? Thank you. बहुत सुंदर पैकेजिंग है, लव सो। नाइस, लुक विनीता। अरे वाह, वेरी प्रिटी। This is stunning. What is this? It's a dandelion. वो हम फूंक मार के उड़ाते हैं। नहीं, वो ठीक है। Paperweight. Paperweight है। बहुत अच्छा। Is there any jewelry for men also here? Yes, sir. Which one? Oh wow, she's ready. ये necklace रणवीर सिंह ने भी स्टाइल किया था। हाँ, और क्या था? सुप्रिया, ये देखो मोकैम्बो खुश हुआ। बहुत बहुत सुपर है। Oh wow. इधर देखा? गैंगस्टर स्टार। इसका प्राइस क्या होगा जो मैं पहन रही हूँ? वो सनफ्लावर है, 1500 रुपीस। एंड इसका इयररिंग? इयररिंग 1100 रुपीस। पेपर वेट हमारा हाईएस्ट एमआरपी है वो 3500। ये तो कुछ सिल्वर प्लेटेड कुछ नहीं है, राइट? नहीं, इट्स आर्टिफिशियल मेटल। यस, महंगा नहीं है थोड़ा फॉर जस्ट मेटल? वो मेटल की बात नहीं है, बट इट्स अ रियल फ्लावर इनसाइड जो यूनिक होता है। फ्लावर थोड़ी महंगा होगा, ये तो बहुत सस्ता मिलता होगा। नहीं, उसका प्रिजर्वेशन प्रोसेस और ये डैंडेलाइन का डिटेल में बताइए फिर कैसे बनता है। बेसिकली उसका मॉइस्चर हटा देना चाहिए, एंड वी हैव टू प्रिजर्व उसका कलर और फॉर्म। जैसे अपन किताबों में
स्कूल में रखा करते थे फिर लड़कियों को देते थे आपने काफी फूल दिए बहुत ज्यादा तो वो प्रेसिंग कहते हैं वो 2D फॉर्म में अगर हम फूल को प्रिजर्व करना है प्रेसिंग करते हैं और वो जो है पेपर वेट में 3D फॉर्म में प्रिजर्व हुआ है उसको हम सिलिका जेल यूज करके मॉइस्चर निकाल देते हैं और उसके बाद उसको रेजिन से डिजाइन किया जाता है। बहुत सुंदर है ये। जनरली लोग अपने यूज के लिए लेते हैं कि गिफ्ट करते हैं ज्यादा गिफ्टिंग के लिए खरीदते हैं बिकॉज और एक ये है कि हर फूल का एक कहानी है फॉर एग्जाम्पल वो फॉरगेट मी नॉट फ्लावर है एक फ्रेंच नाइट ने उसको प्रिंसेस को गिफ्ट किया था वो फ्लावर्स ड्यूरिंग हिज लास्ट ब्रेथ और उसने बोला फॉरगेट मी नॉट और इसी रीजन के वजह से उसका नाम है फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स ये कहानी ये डब्बे में क्यों नहीं है वी वर्किंग ऑन इट यू वर्किंग तो आपकी सेल्स कितनी है पिछले साल 1 crore 10 lakh वेरी नाइस छक्के छक्के छुड़ा दिए एंड लास्ट मंथ था 21 lakh और इस साल कितना करोगे इस साल में 3 crore में एग्जिट करूं माय गॉड ये 21 लाख में ज्वेलरी कितना ज्वेलरी 90% है क्योंकि हमारा स्टेशनरी का एसकेयू जस्ट 5-6 है ये सेल्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर है या कुछ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर ये सब हमारी डायरेक्ट वेबसाइट से सेल्स होता है सुप्रिया हैव यू रेज्ड एनी फंडिंग बिफोर नॉट येट Fully bootstrapped. आपका प्रॉफिट कितना है? हमारा ग्रॉस मार्जिन है 80%. Very nice. नेट प्रॉफिट कितना है? EBITDA है 35%. एवरेज सेलिंग प्राइस? ज्वेलरी में 1000 और स्टेशनरी में स्टेशनरी भूल जाइए. What is your repeat? 12%. That's it. Ouch. This is gifting, isn't it? But we're aware and we're working on that क्योंकि हम ना retention marketing नहीं कर रहे हैं और ऐसे fashion brand में ज़्यादा SKUs होने चाहिए ताकि हम उसके LTV को we can increase the LTV D2C की ज्वेलरी ब्रांड बहुत सारी हैं वो जब देखेंगे आज आपको TV पे तो उसके बाद वो बोलेंगे कि मैं अपना एक लीफी अफेयर लाइन स्टार्ट करती हूँ करेक्ट जिसमें जो सुप्रिया का 80% है मैं 70% ग्रॉस मार्जिन पे 1200 rupees में ये बेचूंगी तो एक्चुअली एंड हर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि यस इट्स इजी टू कॉपी इट इज इजी टू कॉपी यस पर हम ना बोटानिकल की ये नीश में ऑलरेडी वी आर द एक्सपर्ट्स और हम हर सीजन में नया नया SKUs लाते हैं और यहाँ पे ये चैलेंज है कि इफ आई हैव टू ब्रिंग अ न्यू SKU उसका फ्लावर प्रिजर्वेशन स्टोरी कंटेंट इट टेक्स सम टाइम आज आप कितना पीसेस बनाती हर महीने वी डू लाइक 6-7000 पीसेस आपके रेवेन्यू के हिसाब से बनता है कि आप 1500 यूनिट मंथ का बेचती होंगी क्योंकि आपने बोला एक मंथ में 2000 यूनिट्स ठीक है 1500 तो आप 6-7000 बना के क्या कर रही हैं आपकी इन्वेंटरी इंक्रीज कर रही है क्या नहीं नहीं हमारा एक मैन्युफैक्चरर है चाइना में Every month for the order and the travel, it's a little troublesome. अगले 3-4 साल में कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है? In 5 years, we will be a 100 crore brand for sure. 100 crore का कर सकते हो आपके हिसाब से? तो ठीक है तो मैंने अपना decision बना लिया. मैं अभी इससे out होना चाहूँगा because of 2 reasons. First, scalability issue मेरे को लग रहा है इसमें आएगा. और थोड़ा दूसरा मुझे लग रहा है competitive moat कम है. I think my issue is with the manufacturing. You have an MOQ, a minimum order quantity. आप हमेशा adjust नहीं कर पाते जब manufacturing आपके control में नहीं होता है. So I think that's a weakness. आपको उसके लिए solve करना पड़ेगा. But I hope you crack it at some point. I wish you the best, but I'm out. आपका जो मिशन है कीप नेचर क्लोज टू हार्ट ये बहुत अच्छा मिशन है एंड आपका ब्रांड नेम भी बहुत अच्छा है लीफी अफेयर यू नो आपकी डिजाइन सेंसिबिलिटीज भी मुझे काफी अच्छी लगी डिजाइंस बहुत अच्छे हैं मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में एक ज्वेलरी ब्रांड का एक रेंज की तरह बिजनेस बनेगा एंड 12% आपका रिपीट है मतलब ये नॉवल्टी की तरह भी खरीदा जा रहा है
तो इसका एस्टिमेट करना कि कितना बड़ा मार्केट है, मतलब चाइना में अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ग्लोबली भी ये मार्केट होगा, तो ग्लोबली भी मैंने सुना नहीं है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैं आज इसमें से आउट होना चाहूंगी। बेस्ट ऑफ लक। मेरा सबसे बड़ा जो इशू आया इस पूरे को यू नो इवैल्यूएट करने में, वो आया कितना बड़ा हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 10 करोड़ से 20 करोड़ की रेंज से ज्यादा निकलेगा ही कैसे। और मेरी पर्सनल राय रहेगी कि आपको ना शार्क की एक्चुअली जरूरत नहीं है। आप अच्छा कर रही हैं, बहुत बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया है और आप मिसाल हैं इंडिया के लिए, क्योंकि घर बैठे बैठे आप करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना सकते हो। आपने ये डेमोन्स्ट्रेट किया विद सच अ निश, मजा आ गया देख के। ऑल द बेस्ट, आज मैं आउट होना चाहूंगा। देखिए, मेरे को आपकी इंडस्ट्री को लेके बहुत एक्साइटमेंट है। I think it's fantastic. But your pitch is all wrong. मैं समझता हूँ ये नाम लीफी अफेयर ही गलत है। You should be building a great, clean jewelry brand. ठीक है। क्योंकि अगर आप नए जेनरेशन को वो पोजिशनिंग लेके अपील करती, उसके साथ में वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, आपने बोले फॉरगेट मी नॉट, आपने डब्बे में भी कुछ ऐसी स्टोरीज नहीं बताई। Strong storytelling, strong content, a clean jewelry brand, it's a very large market. अगर आप पकड़ लेते हैं ना, you can do something big. When you're ready with that clarity, उस टाइम आप मुझसे बात करना, I would love to fund it. Okay. I'm out. Good luck. ठीक है. Thank you. It was amazing meeting you. Bye. Thank you. शुक्रिया. Thank you.